जवान नहीं मारा जिसकी लिए अमन हत्या में उठाने लगा उसका गला फट जाएगा। हम लोग का हड्डी इतना कमजोर नहीं है कि तुम लोग जैसा चाहो वैसा ये कर लो। आज इसीलिए ये पुण्य तिथि नहीं, ये हमारे लिए सिख का तिथि। आज जैसा कि पूर्वज जो कहे शहीद हुआ, आज सब बुजुर्ग लोग नहीं लड़ाई झगड़ा करता तो आज हम लोग साथ मंच में बैठा रहता या गांव में बैठा रहता। लेकिन अगर हम लोग का आज भी नेतृत्व का पीछे हटेगा तो हमारे जनता को इसका बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ता है। लेकिन हमारे अगर सही हमारे अगुआ लोग अगर आगे हैं तो आपको भी खड़ा होना जरूरी है। आज सरकारी कर्मचारी हो गैर सरकारी कर्मचारी हो चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सभी के हम लोग पूरे ईमानदारी के साथ काम कर रहे। लेकिन इसका काम में अभी काम नहीं मिलेगा। अभी बहुत कुछ हम लोगों का लूट गया है छिन गया है 40 वर्षों में, उन सभी चीजों को वापस लाना है। अभी हम तो बोले जब हमारी सरकार बनी 20 साल में लोगों ने राज्य खजाने को समाचित कर दिया, हमको समझ में नहीं आए राज को हम जलाएंगे कैसे बिना संसाधन का। तो हम भी उम्मीद जैसा कागज पत्थर लेके बैठ गए जब हमने देखा कि बहुत बड़ा पैसा राज्य सरकार का भारत सरकार से लेने का बकाया निकलता है 1,36,000 करोड़ रुपया। जब हमने हिसाब निकाला और हिसाब किताब लेकर के भारत सरकार के पास जाकर चले गए कि भाई मेरा इतना पैसा निकलता है दे दो, पंडित को बोलता है कि नहीं कोई पैसा नहीं निकलता। जिन बात को हम समझाया उन्होंने बोला कि हाँ ये तो बनता है लेकिन इतना नहीं बनता। तो हम बोले बनता है ना भाई, इतना नहीं तो इतना बनता है, कुछ तो बनता है। पहले बोला नहीं है बनता है, फिर बोलता है बनता है। अब जब वो लेने लिखा वक्त आया तो हम पर जाग फेंकना शुरू कर दिया। संस्थाओं का काम बोले ठीक है, जंगल में रहने वाला आदमी को तुम कौन सा जाल सब जाल उतर डालेंगे, एक भी जाल आपका बचेगा नहीं। आज आपको देश और अपना साथ शहीद हुए लोगों के प्रति जो हम लोगों का मान सम्मान है, जिनके लिए हम लोग आज जिनके सपने को पूरा करने का हम लोगों ने संकल्प और बेड़ा उठाया है, जितने लोगों का आशीर्वाद साथ में है तो डरने का जरूरत नहीं है। इसीलिए आप लोग भी सरकारी योजनाएं जो हम लोग चलाते हैं, कई सारी योजनाएं हम चला रहे हैं और विशेषकर आप उन लोगों और को संथाली सिंह में गोगो को मृतक समस्या वो आदिवासी तलागढ़ी हांडी पौरा नोआटी बड़ी गड़बड़ दिल नोआ हांडी पौरा से अब समाज बड़ी खराब कर आज नोआरे एजेंट को बिना होगा ना हांडी पौरा अभी तो जो है होना से मी का कोशिश पे नवा हड्डी पौधा रहा हड्डी टुकड़ जी डी पे आज फूलो धानो योजना रहा डिपी पे खेल पे परिवर्तन किया बना लीजिए। और निश्चित रूप से आज फूलो धानो आशीर्वाद योजना बिरसा हरित ग्राम योजना दीदी बाड़ी योजना मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अनेकों योजना है
जिसके माध्यम से हम अपने गांव को अपने घर मजबूत कर सकते। अभी हालांकि बहुत सारा जगह पाइप बिछ गया है, पानी नहीं गया, जो शिकायत आमतौर पर पेयजल वाला में आता है, वही अभी विकास का भी स्थिति हम लोग बना कई जगहों पर। अभी काम तो हम लोगों ने बहुत तेजी से किया है, लेकिन चीजों को पहुंचने में और हमारे लोगों तक पहुंचाने वाली जो व्यवस्था है उसको मजबूत करते हुए चीजों को हम लोग पहुंचा रहे हैं। आप लोग भी सामने आइए और पहले से ही चीजों को जानने समझने का काम करें, ताकि आप लोगों को अपना योजना आपके घर तक पहुंचाने में मदद मिले। इसीलिए समय का भी अभाव है, अभी ये रात जल्दी हो जाता है, इसलिए हम इन बातों के साथ अपनी बातों को हम समाप्त करेंगे। आज शहीद दिवस के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर उपस्थित सभी हमारे गांव देहात से आए किसान भाइयों, नौजवानों, आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी बातें समाप्त करते हैं। झारखंड के सभी वीर शहीद अमर रहे, सभी को मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।